मैं डॉक्टर महेंद्र बघेल एमएससी वेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हर बार मैं एक नया केस लेके आता हूं, आज भी एक बहुत ही अच्छा केस लेके आया हूं। वो है डिस्ट्रोकिया इन गोल्डन रिट्रीवर फीमेल। ये जो फीमेल है स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम बच्चे देने वाली हैं और इसको डिस्ट्रोकिया हो गया। बच्चे जो है उसके पपी जो है स्टक हो गए हैं और उसके कारण उसको समस्या हो रही है। जब हमारे द्वारा इसको चेक किया गया तो इसके बर्थ कैनाल में कोई बच्चा स्टक नहीं था और इसको केवल अंदर से ही बच्चे बाहर नहीं आ रहे थे। जब हिस्ट्री लेने पे पाया कि इसके एक दिन पहले इसने नेस्टिंग करी और ग्रीन कलर का डिस्चार्ज, जिसको मेडिकल भाषा में लोचिया बोलते हैं, वो चालू हो गया था। केवल ग्रीन कलर का डिस्चार्ज आ रहा था, बच्चे नहीं आ रहे थे। इसलिए जो ओनर हैं वो बहुत परेशान थे और वो मेरे पास लेके आए और मैंने फिर उनको प्रॉपर चेक करा और बताया। बच्चे तो लाइव थे, सभी मेरे द्वारा चेक किया गया। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में फर्स्ट हमने उसको डीएनएस के साथ में कैल्शियम सेंडो के इंजेक्शन दिए गए। 5 ml कैल्शियम सेंडो लगाया गया डीएनएस के साथ। और इसको ध्यान रखने की बात यह है कि स्लो आईवी करना रहता है और स्लो आईवी करने से पहले इसको सीपीएम का इंजेक्शन भी दिया जाता ताकि कोई रिएक्शन नहीं करे। और सेकंड जो है उसमें यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन आरएल के साथ में ड्रिप के माध्यम से स्लो दिया गया, जिससे क्या प्रॉपर कॉन्ट्रेक्शन आते हैं। ये फर्स्ट ट्रीटमेंट करा, उसके बाद भी बच्चे नहीं हुए तो 6 आवर्स के बाद में हमने वापस उसको रिपीट किया सेम ट्रीटमेंट और उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी हो गए हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, इस तरह के केस जब भी आपको मिलते हैं तो आप मेडिसिन इसको क्योर करें। ज़्यादातर केस मेडिसिन से सही हो जाते हैं। अगर उसके बाद भी डिलीवरी नहीं होती है तो आप सीजरियन सेक्शन की ओर जा सकते हैं। बस यही निवेदन था, थैंक यू। गोल्डन रिट्रीवर फीमेल थी, उसका फर्स्ट टाइम था डिलीवरी का। उसको एक दिन पहले से ही हरा डिस्चार्ज जा रहा था और फिर मैं डॉक्टर बघेल सर के पास लेके गया, फिर उन्होंने ट्रीटमेंट किया, फिर उसके बाद नॉर्मली डिलीवरी हो गई।